भैया भगवान के नाम पे कुछ दे दो भैया। अरे सुबह सुबह कहाँ कहाँ से आ जाते हो, खाया कमाया नहीं जाता है क्या? भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे। भगवान के नाम पे दे दो बाबा, टेंशन निकल ले यहाँ से। भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे। ये अभी दे, निकल ले चल जल्दी। भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे। देखो भगवान के नाम पे कुछ खाने को दे दो। एक मिनट रुको। भगवान आपका भला करे। भैया भगवान के नाम पे कुछ दे दो भैया। तुमको कुछ काम वाम नहीं कराया था, चलो नीचे तो रहते चलो आगे से। आया थे कहाँ कहाँ से भीख मांगने के लिए, सुबह सुबह दिमाग खराब करते। भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे। मैंने उसे धक्का दिया, फिर भी उसने मुझे दुआ दी, इसके पीछे क्या रहस्य है जानना पड़ेगा। देख आज रोटी बासी रोटी मिली है बस, और कुछ नहीं किया। हाँ यही मिला है भैया बस। और ये दुकानदार कैसे हो रहा है, ये कैसे लग गई तेरे, क्या हो गया? कुछ नहीं, वहाँ पे गिरा दिया था कुछ लोगों ने और वही गालियाँ वगैरह दे रहे थे, तो मैंने किसी से भी कुछ नहीं कहा, बस सबको यही बोल के आ गया कि भगवान आपके पापों को क्षमा करे। सब अपने पापों का ही परिणाम है, याद है ना तुम्हें हम कितने रईस हुआ करते थे, क्या कुछ नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी दान नहीं किया। वो अंधा भिखारी याद है तुम्हें? वो चल अंदर आ रहा है, मुझे लेंगे इससे, आने देते हैं उसे। भगवान के नाम से कुछ खाने को दे दो बाबा। लो बाबा लो रोटी, लो ये ले लो रोटी ले लो, रास्ता ही बता दो बाबा। चलो चलो बताते हैं। तुम्हारे पापों का हिसाब तुमसे ईश्वर ही करेगा। आज उसी की बद्दुआ की वजह से ये हमारी स्थिति है, आज उसी की हाय हमें डूबी है। लेकिन मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कोई कितना भी अन्याय करे, मेरी जुबान पर हमेशा दुआ ही रहती है, और कई भी लोग मुझे परेशान करते भी मैं हमेशा उन्हें तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें भगवान देगा, मैं हमेशा उन्हें यही बोलता हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ हो, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि वो क्या पाप कर रहे हैं। आओ भैया आओ, एक मिनट को। सॉरी भैया, मैं माफ करना, मैंने इस गलती में आपसे कुछ गलत बोल दिया, तो सॉरी भैया। है कोई नहीं, भगवान आपका भला करे। तेरे चरणों में मगन हो बैठूं, तेरे भक्तों में तेरे दरबार में मैया।
मिलती है तेरे दरबार।